what Mr. Ilyas Sharafuddin has to say on this. Ilyas Sharafuddin ji, क्या आप साथ हैं मुस्लिम औरतों के साथ? क्योंकि जहां तक अब ट्रिपल तलाक बिल का सवाल है, हमने देखा कि क्या रिएक्शंस रहे हैं. As far as they did not want this bill to be passed at all, अब जाकर ऑर्डिनेंस रूट अपनाया गया है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से. क्या आप वेलकम करते हैं या नहीं? देखिए, मैं दो बातें बताऊंगा. पहली बात तो ये कि कुरान सही हदीस में 1400 सालों से एक साथ ट्रिपल तलाक देना नाजायज है, अलाउ नहीं है. हम ये बात को प्रोपोगेट कर रहे हैं, जाकिर नाइक भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं. और दूसरी बात ये कि जो मुसलमान मर्द को तीन तलाक देने पे जेल में डालने की बात हो रही है, फायर की बात हो रही है, जाकिर नाइक चिल्ला रहे हैं कुरान हदीस में ट्रिपल तलाक नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड है. लेकिन उसके बावजूद ऐसे किस्से, कई किस्से सामने आए हैं. ये मैं वही बताना चाह रहा हूँ, मैनमेड लॉज इतने वीक रहते हैं कि रेप का लॉ आया, रेप बढ़ गए, मर्डर का लॉ आया, मर्डर बढ़ गए, डाउरी डेथ का लॉ आया, डाउरी डेथ बढ़ गए हमारे देश में. गॉड सेंड लॉ लेकर आके इम्प्लीमेंट करिए, पूरे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे. वो करते नहीं, सूफी शियाओं के पास जाके मोदी जी वक्त बर्बाद करके गलत फतवे लेते पूरे देश. तो आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? क्या आप मुसलमान औरतों के साथ खड़े हुए नजर क्यों नहीं आते हैं? क्या उनकी राइट्स के लिए आप खड़े हुए नजर क्यों नहीं आते हैं? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक एक केस नहीं है, हजारों लाखों केस सामने आए हैं. और आपने क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं करी, तभी उन औरतों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा. हम मुसलमान औरतों के साथ खड़े रहकर फतवे दे रहे थे कि ये तलाक ना जाए. इलियास जी रुकिए, हमारे साथ निदा खान हमारे साथ जुड़ रही है. निदा, जिनके साथ वो खुद ही विक्टिम है ट्रिपल तलाक की, निदा आप जरा बताइए, आखिरकार मोदी गवर्नमेंट ने ये रूट अपना ही लिया जहां तक ऑर्डिनेंस का सवाल है. ऑर्डिनेंस के थ्रू अब ये अपना लिया गया कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अब नहीं हो सकता है. आपकी जैसे कई औरतें होंगी, आपका अब क्या कहना है? देखिए, जो ट्रिपल तलाक की विक्टिम्स थी, दे ऑलरेडी वांट दिस काइंड ऑफ द ऑर्डिनेंस फ्रॉम द मोदी गवर्नमेंट, विच इज वेरी क्लियर फैक्ट फ्रॉम द ट्रिपल तलाक विक्टिम्स. आई एम ऑल्सो अ ट्रिपल तलाक विक्टिम, सो आई नो वॉट दे वॉन्ट. ठीक है, और रही फतवों की बात, फतवे आर नॉट लीगली वैलिड. तो उनका जब लीगली कोई कह सकते हैं ना कि वजूद नहीं है, तो वो लोग मानते कहाँ हैं आज के टाइम में? ठीक है, फतवे वही माने जाते हैं जिसमें आदमियों को फायदा होता है और औरतों को नुकसान, और जिसमें औरतों का फायदा होता है वो फतवा आज तक आदमियों ने माना ही नहीं है. और रही बात शरीयत की, ठीक है, हमारी शरीयत में मना है तीन तलाक के, उसके बावजूद आज तलाकें बंद हुई, तीन तलाक नहीं हुई. उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया तीन तलाक के ऊपर, उसके बावजूद तलाक नहीं बंद हुई, क्योंकि उसमें कोई पनिशमेंट नहीं थी. क्योंकि पनिशमेंट जब तक नहीं होगी तो वो क्राइम नहीं रुक सकता है. ठीक है, हम नहीं कहते कि बिल्कुल तीन तलाक खत्म हो जाएगी, लेकिन तीन तलाक कम हो जाएगी. यही बात है. आप जरा इलियास शरफुद्दीन को समझाइए, क्योंकि वो भी आपको फोन लाइन पे सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं भाई लॉस तो हर चीज के होते हैं, कोई चीज रुकती थोड़ी है, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो मर्डर पे कोई लॉस नहीं रुकेगा. सुनिए, पहले सुन लीजिए. देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है कि बीच में क्यों बोलने लगते हैं. पहले सुन तो लीजिए, बस चीखना चिल्लाना और कुछ नहीं है. अगर आप बीवी, अरे आप सुनिए तो, आप सुनिए तो, आप सुनिए तो, और बढ़ जाएंगे. आपको सुनना ही नहीं है दूसरे की बात. बस चीखना चिल्लाना नहीं आता है, औरतों को दबाना आता है, वही करते आए आप, अभी भी वही कर रहे हैं. बस ठीक है, उससे बर्बादी 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 आएगी. अच्छा, और जो घर पे आराम से दूसरी शादी करके बैठ गए, क्या औरतें आबाद है उससे? बर्बादी और बर्बादी आएगी जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देते हैं. वो औरतें बर्बाद नहीं हो रही है, सब औरतें आबाद है. देवदासी नहीं बनाए, पंडितों के बिस्तरों पे नहीं सुलाए. अरे आप अपने अपने मजहब को देखिए, आप अपनी कौम की हालत देखिए. आप दूसरों के घर जाते तो कितना मतलब रहता है आपको? सिर्फ दूसरों से मतलब है, अपना तो देख लीजिए. इज्जत मिलती, औरतें रोड पे नहीं आती. कहाँ मिलती है औरतों को इज्जत? प्रोस्टिट्यूशन में नहीं जाती, औरतें प्रोस्टिट्यूशन में नहीं जाती. औरतों को एड्स से होता, तीन शादियों से फायदा ही फायदा. इज्जत मिलती तुम लोगों को? हाँ, सिर्फ आदमियों को फायदा. मेरे ख्याल से आप सैकड़ों दर्जन औरतें मिलेंगी जो कोर्ट में बैठी है कि उन्होंने कोर्ट में डाल दिए थे, तो आदमी ने तीन तीन दो दो शादी कर ली है. तीन शादियां नहीं करे तो हम जैसे तुम्हारे गुरु भाग गए आरएसएस के, वैसा समझा नहीं छोड़ के भागना शुरू कर देते. मुझे असमझा नहीं था, आप घायलों को बुलाते क्यों हुए टीवी पे, जिन्हें सुनना ही नहीं होता है? कुछ ने बुलाया मत करा दिए टीवी पे. तुम आरएसएस के दलाल तो आप ही लोग हैं. आरएसएस बीजेपी आप लोग के दलाल हैं. आप लोग कौन को बांट के बैठे हैं? ये बात कहीं और जा रही है. ट्रिपल तलाक के ऊपर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? जहां तक ये मोदी गवर्नमेंट ने रूट अपना ही लिया है,
इलियास शरफुद्दीन जी, बर्बादी उन लोगों के सामने आएगी जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देते हैं, जो हिम्मत रखते देने की, आप किसी की हिम्मत नहीं होगी। अरे मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निदा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बट एज फार एज द कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न, वेल एज फार एज कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न, बिकॉज नाउ दे डोंट हैव एनी फेस टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द इम्पेंडिंग एम्बैरेसमेंट का, कांग्रेस रणदीप सिंह सुरजेवाला रिएक्टेड अ शॉर्ट वाइल बैक, लेट्स लिसन इन। हमारे लिए ट्रिपल तलाक हमेशा एक मानवीय मामला, महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा मामला, महिलाओं को न्याय दिलाने का मामला रहा है। आज जब ट्रिपल तलाक खत्म हो चुका है तो अब अगला मामला जो है वो है मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय का। उनको पति की संपत्ति से भत्ते का अधिकार मिल जाए, बच्चों को पालने का, परिवार के पालन पोषण का, अपने भरण और खर्चे का पूरा अधिकार मिले, और जो पति ये ना दे पाए उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो। पर मोदी सरकार ऐसा करने से गुरेज कर रही है। वो नहीं चाहते कि मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिले।